Are we live? This one we are. Yeah? Okay. Welcome to this live session on Nicety for Kids. On the eve of the International Day for Elimination of Violence Against Women, we have a special discussion on emotional abuse, on physical abuse, domestic violence. I think there are many names to this particular aspect, a lot of which is never talked about. So to help us through this discussion, we have our expert on board today, Anuja Kapoor. She's a criminal psychologist. We are going to domestic violence. के बारे में घरेलू हिंसा दरअसल एक ऐसा मामला है जिसको हम छुपाते हैं, उसके बारे में बात करने से कतराते हैं, लेकिन वो किस तरह से किसी के पर्सनालिटी को इफेक्ट कर सकता है और कैसे हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे अनुजा कपूर से, जो लेकिन काउंसलर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, एनजीओ निर्भया एक शक्ति की फाउंडर भी हैं और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी हैं। शुरुआत करें अनुजा हम। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टू कम ऑन बोर्ड। माय सिटी फॉर किड्स ने एक बहुत अच्छा इवेंट, एक बहुत अच्छा मुहिम जो इन्होंने चूज किया है टू एजुकेट द वुमेन ऑफ टुडे, विच इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में बातचीत करना, क्योंकि अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। विक्टिमोलॉजी क्या है इसके बारे में समझना कि आप कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं पीड़ित तो नहीं हैं। मैं पारुल का और ललिता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकूँ। आपके क्वेश्चन अनुजा, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद यू नो अ वेरी वेरी बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट फॉर्म्स रिलेशनशिप अब्यूज, व्हाट कुड कम अंडर सच अ ब्रॉड हेड, स्पेशली मतलब हम घरेलू हिंसा का डेफिनेशन या मतलब कोई कैसे समझे कि उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, किस किस फॉर्म में हो सकती है वो उसके साथ। शुरुआत करने पर अगर हम इस बात को समझें कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है, बहुत बहुत आसान है इन शब्दों का यूज करना कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है जो आपके चार दीवारी में आपके साथ किसी के साथ भी उस दौरान, चाहे वो आपकी, देखिए सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ एक बहू के साथ होता है क्योंकि मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहती हूँ, एक औरत के साथ, और वो औरत एक बच्ची भी हो सकती है, एक लड़की हो सकती है। डोमेस्टिक के अंदर बहुत लोग आते हैं, हम लोग इस वक्त के अंदर हम लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब विमेनहुड, पर इसके अंदर आदमियों का भी शोषण बहुत ज्यादा होता है। डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक एक आपको जो घर का जो एक हिस्सा है उन सबके साथ इस तरीके का वायलेंस है कि जहां पर आप इस चीज को फील करें कि मेरे साथ क्रुएल्टी हो रही है। और क्रुएल्टी का क्या मतलब है कि जो एक आम जो एक एनवायरमेंट होता है उससे हटकर जहां पर मार पिटाई, आप थप्पड़ मार दिया, तुम्हें डांट दिया, somebody has proven you that you cannot do anything, you are useless, you're hopeless, you can't do anything which is right, इस तरह के शब्दों का उच्चारण होता है। और वहां पर आपको ये फील होता है कि जो मेरी क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं एट स्टेक आ गई है, मैं शायद कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता। वो चीज का जब आपको एक स्टैंप मिल जाता है फ्रॉम योर पेरेंट्स और फ्रॉम एनी बॉडी हेल्प करी, और आपको इसी दौरान हम इस समझने की कोशिश आप भी करेंगे और मैं भी आपको बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इससे फेस करी जाती है। आई थिंक अनुजा, सॉरी आई जस्ट द फर्स्ट पॉइंट इज यू नो जस्ट लाइक यू पॉइंटेड आउट दैट इट सीम्स लाइक नॉर्मल, इट सीम्स लाइक यू नो समथिंग दैट दादा हैज सेड टू दादी, दादी हैज सेड टू दादा, व्हाटएवर इट इज, दादी हैज सेड टू मम्मा, सो एट व्हाट जनरेशन जनरेशन हम सारे टाइम आसपास हमारे यही हो रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, whether it is maybe a small amount of physical abuse as well, at what time does the victim realize that she is a victim? At what point does she realize that this is abuse and not normal? Very rightly put. यही चीज के लिए जो मैं आपसे अभी बात कर रही थी, जब आप ये समझने लग जाएं कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, आपने बहुत टाइम से इस शुरुआत इस चीज को तो पहले से ही एक्चुअली रोकना चाहिए, आगे तक बढ़ने ही नहीं देना चाहिए क्योंकि लॉज के बारे में नहीं मालूम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक डोमेस्टिक वायलेंस का सिम्टम क्या है, जिसकी वजह से या कॉजेस क्या है। सिम्टम्स मैंने आपको अभी बताएं, कॉज सबसे बड़ा आता है फाइनेंशियल, क्योंकि एक औरत अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, और क्योंकि ये अगेन इट्स ओके टू बी नॉट टू बी फाइनेंशियल, इट्स ओके एक लॉ बन जाना जो आज की डेट में लॉ है। इवन लड़कियों को भी विल में पैसा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है,
आदमी के जिसको हम लोग सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस मिलती है, अल्युमिनी मिलती है डोमेस्टिक एक्ट के अंदर डिवोर्स के दौरान, ये लोगों को नहीं पता होता है. तो उनको ये लगता है कि हम लोग कैसे अपने आप को खड़ा कर सकते हैं. तो जो पैसा आप हर रोज मर्रा में आपको मिलता है, कोशिश कीजिए उसको आप थोड़ा बहुत जोड़ने लगें. जैसे थोड़ा बहुत जुड़ने लगता है तो आपको थोड़ा एहसास होने लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, सिक्योरिटी मिलती है. कोशिश कीजिए अपने बच्चों को जो आप पहला वक्त देते हैं वो जरूर दीजिए. 12 से 13 साल, 14 साल, 13 साल बाद मैं ऑन बोर्ड आई, 13 साल मैंने अपने बच्चों को दिया, अपना वक्त दिया, क्योंकि मुझे उन बच्चों को सोसाइटी में भेजना था. अगर मैं बचपन से बच्चों के साथ अपना वक्त नहीं देती, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अगर मैं अच्छी माँ, इसके अंदर ये बात नहीं है कि एक अच्छी माँ वो ही होती है जो बच्चों को 24 घंटे का टाइम देती है. अच्छी माँ जिसको किसी की डेफिनेशन नहीं चाहिए, किसी की अप्रिसिएशन नहीं चाहिए इस बात को बताने के लिए कि वो एक अच्छी माँ है या नहीं है. अच्छी माँ वो है जो अपने बच्चों को समझ सके और बच्चे उसको समझ सके. और इसका किसी को भी सवाल जवाब कुछ नहीं. इसके अंदर सबसे बड़ी बात आती है जब आप अपने लिए कुछ करने की जरूरत रखती हैं, अपने उस ड्रीम को मरने मत दें. क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर सबसे बड़ा जो हम अपने आप को छोड़ देती हैं कि आज आप देख रहे हैं हम तीनों अपने अपनी जगहों पर खड़े हैं और तीनों माएं हैं और तीनों ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से वेल पोर्ट्रेट किया है. कैमरे के ऑपोजिट पे हम लोग यही चीज को समझ सकते हैं. आज का जो हमारा जनरेशन है उसमें से कई औरतें ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं, चाहे घर से शुरू कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपनी इस ड्रीम को मरने नहीं दें क्योंकि बच्चे हैं, इट्स ऑन बोर्ड. मैंने शादी करी है इसलिए मैं घर में हूं, मैं एक हाउसवाइफ हूं, आई एम सॉरी. कुछ वक्त के बाद अपना काम आप चालू जरूर कीजिए. इससे आपको एक इंडिपेंडेंस, एक कॉन्फिडेंस आएगा. और जिस फाइनेंशियल की बात मैं कर रही हूं उससे आपको एक बहुत फर्क पड़ेगा कि मैं कुछ कर सकती हूं. तो साइकोलॉजिकली, इमोशनली आपको बहुत फर्क आने वाला है. अब प्रॉब्लम कहां पर आकर खड़ी होती है? प्रॉब्लम यहां आकर खड़ी होती है कि जब आप बोलती हैं घर के अंदर कि मेरे साथ इस तरीके से बदसलूकी या इस तरीके का जवाबदारियां मेरे साथ ना करें, आप मुझे कुछ बोल रहे हैं या मुझे मारपीट, या कई बार ऐसा होता है डाउरी सिस्टम आता है, पेरेंट्स को बोला जाता है, चीजें सारी सामने खड़ी होकर आती है. क्या रास्ता है, क्या रास्ता आता है इसके लिए, लॉज क्या इसके अंदर कहते हैं? अगर आपके साथ स्टार्टिंग से ही कभी कोई चीज, जब तक कि आप आवाज नहीं उठाएंगे, आपके साथ जस्टिस नहीं होगा. ये बात आपको सबसे पहले माननी चाहिए कि इट इज नॉट ओके. यू हैव टू रेज योर वॉइस, यू हैव टू स्पीक अबाउट इट. इफ यू विल नॉट, देन पीपल विल थिंक दैट यू आर सबमिसिव इन नेचर एंड यू आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट यू आर बीइंग अ विक्टिम. And the abuse just increases. Yes. And it's not only abuse increases, the person on you becomes more dominant. And he will not only, he will not only do it inside the house, but he will go outside the house also. And you will not only do it inside the house, but he will go outside the house also. And you will not only do it inside the house, but he will go outside the house also. And you will not only do it inside the फर्स्ट टाइम, पहली बार आपको लगे कि आप एक उसी फैमिली से आती हैं, चाहे वहां पर आपकी मदर के साथ किस तरीके से बात करी जाती थी या नहीं, आप उस चीज को स्टॉप करेंगे. जो चीज आपको इट्स नॉट ओके विद मी नहीं समझ में आता, वहां पर उसका जवाब देंगे. सबसे पहली प्रॉब्लम कहां पर आती है कि क्या करना चाहिए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप. और राइट नाउ अगर कोई है इस वक्त जो मेरे को सुन रहा है और वो इस चीज का निजात चाहना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज, जब आपके साथ कुछ भी घटना घट हो रही होती है, मारपीट हो रही है या समथिंग विच इज ऑन द रियली हाई लेवल और आप उसको नहीं सह पा रही है, दैट इज द टाइम आप फर्स्ट, जब अगर मारपीट हो रही है तो 100 नंबर दबाएं. 100 नंबर में FIR लॉन्च होती है, DD चलता है, पुलिस वाला आपके, जैसे ही आप 100 नंबर डायल करते हैं अपने फोन से तो वो आपका रिकॉर्डिंग में चला जाता है, जो आने वाले वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी फर्स्ट कंप्लेंट जारी होती है. एक सेकंड आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी. जैसे आपने कहा कि जनरली क्या होता है, हम लोग जो देखते हैं कि हम कंप्लेन करते हैं, तो क्या एक्चुअल में बहुत बार हम, जैसे हम अपने मेड में, मेड के केसेस में या बहुत केसेस में देखा है कि लोअर क्लास में आपने कंप्लेन की, सब कुछ लाइक FIR कराने गए, सब कुछ गए, तो बोलेंगे नहीं नहीं रहने दो, ये इनका आपस का मामला है, और लाइक मतलब उसको आगे तक, मतलब उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता उस चीज का. तो क्या प्रैक्टिकली आपने देखा है, जैसे आप कहने के रिकॉर्ड होता है, ये सब होता है, तो क्या रिजल्ट एक्चुअल में आता है कि कोई, मतलब पता चला उसने प्रोसेस किया भी, उसको कोई
रिजल्ट मिला ही नहीं मिला कि मतलब उसका कुछ मतलब उसने हिम्मत भी जुटाई जाकर बोलने की और उसके बाद उसका कोई रिजल्ट एक्चुअल में प्रैक्टिकली दिखता है. थैंक यू ललिता फॉर स्पीकिंग अबाउट इट. आपने जो क्वेश्चन पुट किया ये जो क्वेश्चन है ये पुट करने की जरूरत शायद इसलिए आई क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये बिलीव करते हैं कि जुडिशरी इनकॉम्पिटेंट है. हमारा जस्टिस या लॉ जो है वो इसके लिए पूरा निजात नहीं दे सकता. बट क्या इसके लिए हम घर में बैठकर उनकी मार खाते रहे? क्या इसके लिए कि वो चीज़ आगे होगी या नहीं होगी हम लोग ये सोचते रहे? देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट स्टेप. आप जब वहां जाते हैं, मैं बहुत चीजें देखी हैं जहां पर मेरे पास अगर केसेस आए हैं तो शायद वो गई हैं दुआएं हैं, जहां पर लड़कियों ने कहा मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे आज जवाब चाहिए. और जब वो यहां से निकल के आगे की तरफ जाते हैं, FIR का मतलब यहां पर जब हम फर्स्ट चीज करते हैं सिर्फ एक FIR नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है. FIR उस वक्त जब हम बात कर रहे हैं जब आपके साथ कोई बाहर आके खड़ा हो जाता है, आपके साथ कोई बदसलूकी करता है, दुनिया में कोई बातचीत करता है, आपको डिफेम करता है, वहां पर FIRs होती हैं. आपके साथ घर में मार पिटाई चालू हो चुकी है, आपको जलाने की कोशिश, मारने की कोशिश, आपके साथ रेप करने की कोशिश, किसी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट आपके साथ घर पे, बच्ची के साथ कोई बलात्कार, कोई डिजिटल रेप जिसको हम कहते हैं, जो अभी रिसेंटली 4 साल के बच्चे के ने इसके अंदर करा है क्लासमेट के साथ, और वो वही देखा, 4 साल के बच्चे ने, इस बात को प्रूफ करता है कि हमारे हम किस तरीके की सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं और किस तरीके के माँ बाप, किस तरीके की हम लोग अपने बच्चों को किस तरीके के रोल मॉडल्स बन के दिखा रहे हैं. अब वही चीज जब सामने आती है, इसमें CAW क्राइम अगेंस्ट वुमन, ये भी CAW जो है इसके अंदर कंप्लेंट होती है. आप CAW का पहला प्रोसेस चालू यहाँ पर भी होता है. एक कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप चाहे वो नहीं हो सकती है. आप NGO के पास निकल सकते हैं, NGO है, वुमन सेल्स हैं. प्लीज अपना बोलिए तो सही. आप आज बैठी हैं मेरे पास, मैं सामने बैठी हूँ, बोलिए तो सही. अगर आप बोलेंगे नहीं, मैं आपके घर में आके बात नहीं कर सकती. आई एम सॉरी, यू हैव टू रियलाइज इट. वो विक्टिम है. अगर आप मानती हैं विक्टिम है, मैंने मेरी बात आप कई बात को आपको लगता है कि आप विक्टिम है, प्लीज कम फॉरवर्ड. आप जब तक बात नहीं करेंगे मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, कोई भी इनफैक्ट हेल्प नहीं कर पाएगा. सो विक्टिम से आपको सर्वाइवर की तरफ जाना है और कई रोल मॉडल्स का रूप आप लोगों को लेना है. 100 नंबर को डायल करने के बाद आप जब FIR के लिए बात करते, घर में जब पुलिस वाले आते हैं तो आपसे बहुत बातें करेंगे कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. आप स्टर्न रहे, आप स्टर्न रहे और आप कहें मुझे इसका FIR करना है, ये मुझे मारा है. ये प्रोसीजर क्योंकि उनको नहीं पता, इसलिए पुलिस भी आपको कई बार बौखला जाते हैं और आपको मिसगाइड करते हैं. आपको MLC कटवानी है. MLC का मतलब है आपका मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट. तो मेडिको लीगल सर्विस सर्टिफिकेट का मतलब है ये आगे आने वाले वक्त में जब हम केस करेंगे या आपके लिए कोई बात करेंगे तो MLC से जो आपके जितने जख्म हैं उनकी फोटोग्राफ्स या तो आप खुद लीजिए, ऑन रिकॉर्ड रखिए, एविडेंस रखिए, अपनी डायरी बना के रखें, अपने अपनी डायरी बना के रखें. इट इज वन थिंग. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शादी के टाइम पर डायरी बनाकर लेकर जा रहे हैं, ओ मैंने वहां जाते डिवोर्स लेना, प्लीज आई एम नॉट सेइंग दिस. ये मैं आपको नहीं कह रही हूँ. ये वो उन लोगों के लिए है जो इस वक्त पीड़ित हैं या उनको लग रहा है कि अब इस वक्त इस ड्यूरिंग इस कन्वर्सेशन के दौरान उनको पता चल रहा है शायद मैं विक्टिम हूं. तो ये आप लोगों के लिए है. आप उस वक्त FIR लॉन्च करवाते हुए अपनी MLC अगर आपके पास है और अगर आपके साथ कुछ कल में घटित हुआ और आपके ऊपर कुछ है तो आप उसका MLC कटवाएं या फोटो खींच के अपने पास ऑन रिकॉर्ड अपनी अपनी किसी एक ऐसे बंदे को आप अपने अपना हमराज बनाएं जिसके पास आप अपना अपना आप बीती दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं. आप नहीं कर सकते, अपने हमराज को बोलिए, वो आपके लिए फॉरवर्ड कर सकता है. लॉ बहुत एडवांस है, लॉ गलत नहीं है, हम गलत है. हम लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं, ये हम गलत है. लॉ गलत नहीं, या यूज नहीं कर रहे और प्रॉब्लम यूज हो रहा है पर मिसयूज ज्यादा हो रहा है. बिकॉज मिसयूज हो रहा है क्योंकि उसके लिए क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लोग समझ नहीं पाते हैं इसका रास्ता और निजात कैसे है. अब प्रॉब्लम नेक्स्ट लेवल पर इसके बाद आएगी कि MLC जब आप कटवा देती हैं या आपको घर के अंदर उस तरीके से बात किया जाता है, कम से कम घर वालों को भी पता चलता है कि ये पुलिस को बुला सकती है. सिचुएशन जितनी FIR लॉन्चेस होती है या जितनी बार आप 100 नंबर पे करते हैं तो आपका वहां पे रजिस्टर हो जाता है. कई बार ऐसा भी वक्त आता है कि जहां पर जब ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं तो एक बात आपको मैं बता दूं, इसलिए लड़कियां करती भी नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि वो डिवोर्स नहीं लेना चाहती. उसके क्योंकि फौरन बाद घर का जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो डिवोर्स आएगा.
क्योंकि घर में आपकी बेइज्जती हो गई है, आपने कर दिया है, कोई आपके साथ रहना नहीं चाहेगा, हस्बैंड आपको बहुत अलग तरीके से बात करेगा। तो ये भी होता है कि लाइक अगर गर्ल जो मैरिड गर्ल है वो अगर कंप्लेन करवाना चाहती है तो उसके पेरेंट्स उसके उसी के पेरेंट्स उसके हाँ वो ये कहते हैं कि नहीं क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों अपनी बसी बसाई गृहस्थी बिगाड़ रहे हो, लाइक मतलब इस तरह का उनका कमेंट होता है, वो उसको सपोर्ट नहीं करते कि हाँ पे गलत जो आपके साथ हो रहा है उसके खिलाफ लड़ो। यही चीज है, पुराने टाइम में यही कहा जाता था आपके यहाँ से ढोली उठी है वहां से अर्थी उठेगी, और एक्चुअली अर्थियां उठ रही हैं। सो ये आपको देखना है कि आपने ढोली उठवानी की अर्थी उठवानी है आपको। आप इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा से कोशिश कीजिए जब आप शादी करते हैं तो कम से कम आपके हाथ में कोई हुनर हो, बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है। और आज का वक्त रेदर नाउ इज द टाइम दैट यू कैन डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा पैसा इकट्ठा कीजिए, आप कुछ अपना काम चालू कर सकती हैं, ऑन घर में रहकर ऑनलाइन बहुत काम कर सकती हैं, आपको कोई सपोर्ट सिस्टम है या नहीं, आप छोटा मोटा सपोर्ट अपनी फ्रेंड्स, इतनी वर्चुअल वर्ल्ड पे जो टाइम इतना वेस्ट करते हैं लोग सोशल मीडिया सेल्फी ये इस पे, रेदर आप अपनी पीआर रिलेशंस को बढ़ाएं। आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट। सो आप पीआर जो आप उस पे वर्चुअल है आप अपने लाइफ सपोर्ट अपने रियल लाइफ में लेकर आए, ताकि ऐसे वक्त में अपने आसपास पड़ोसियों से बात करके रखें, ऊपर नीचे बताएं, ताकि कल को अगर कोई आपके साथ हादसा हो जाता है तो कम से कम दे इंटरव्यू Somebody can talk about it. आपको कोई बोलने लायक तो हो, कोई आपको हेल्प करने लायक हो, कम से कम आपके लिए जो उस दौरान पर आपको इमोशनल फिजिकल और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल हेल्प आपको कोई दे सके, मॉनिटरली हेल्प आपको दे सके, इवन आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि दैट इज द मोस्ट प्रॉब्लम। जब आज के पेरेंट्स ऐसे, हम लोग न्यू पेरेंट्स हैं, न्यू पेरेंट्स खड़े होते हैं अपने बच्चों के साथ, पर देर आर टाइम्स, जैसे मेरे हो सकता है पेरेंट्स You know, who are at the back of me, जो इतने पुराने कहलाते हैं, हो सकता है वो नहीं करना चाहे, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि हम डर जाते हैं, हम अपना बुढ़ापा संभालें कि बच्चों का देखें इतनी शादियां करने के बाद उनके बाद भी, तो we don't want to be a liability. शायद इसी वजह से हम लोग आगे नहीं आना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम कहीं लाइबिलिटी ना बन जाए अपने पेरेंट्स के ऊपर, करेंगे निकल के भी हम क्या बच्चों को कौन संभालेगा, मैं कैसे करूंगी डिवोर्स का खर्चा, ये सब आई एम सॉरी ऐसा नहीं है। DSLSA ये आपका दिल्ली सर्विस लीगल स्टेट अथॉरिटी है, ये आपका लोक अदालत पटियाला हाउस के अंदर है, ये इसी तरह के प्रॉब्लम्स को हेल्प करते हैं, यहाँ पर खुद जजेस बैठते हैं। अगर आप कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली फैमिली कोर्ट में जाना चाहते हैं, ये DSLSA जो है आपको हेल्प करेगा। आप इसको गूगल कीजिएगा, आपकी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर जाएं, ये आपको सीधा बताएंगे, बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है। Could you repeat that, please, Anuja? DSLSA, that is the Delhi Service Legal Authority. Delhi, so this is where they, Delhi, it gives you Delhi Service Legal Authority. So they help you in giving you these family solutions, जहाँ पे property के भी problems आते हैं, जो tedious एक गरीब एक आम आदमी या वो औरत जो छुप के काम बताती है, छोटा बच्चा जिसके साथ rape हुआ है, उसके teenager जो बता नहीं पा रहे हैं, ये लोग इस जगह पर जाते हैं। So can you just step into this particular place in Patiala? Yes, yes, go there. Please go ahead and talk about it. They will help you in doing FIR also. They will help you in doing CAW also. Women's cell. Go ahead. हमारे जैसे लॉयर्स यहाँ बैठते हैं, काउंसलर्स बैठते हैं। मैं DSLSA साउथ के साथ ऑलरेडी मिली हुई हूँ। I'm part of them. So they मैंने बहुत बच्चों को गुड टच और बैक टच इसके अंदर करवाया है। और प्लीज गो एंड विजिट दीज प्लेसेस। ये जो है यहाँ पे खुद जजेस बैठते हैं, इनकी कोर्ट्स लगती हैं, और ये आपको जो इतना टीडियस है इतना लंबा है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। तो अब अगर आप कहीं पर फंस गए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो DSLSA में आप इवन आप जस्ट डायल करेंगे आपको वहां मिल जाएगा, आप गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। तो ये वो है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो जहां पर आ जाती है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि कहीं ना कहीं स्टैंड करने में। जिस इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, एक बार ही जाइए वहां पर, दे विल रियली हेल्प यू। अपार्ट फ्रॉम दिस MLC मैंने आपको बताया है, 100 नंबर बोला है आपको करने के लिए, दिस इज कॉल 100, सो कॉल दैट। उसके बाद इफ यू आर MLC कटवाएं, अपार्ट फ्रॉम दैट DSLSA में जाए, उसके बाद आपका अगर आप चाहते हैं और ये सब चीजें, तो वो आपको डिवोर्स, अगर आपका नॉर्मली में बातचीत करने में चीज नहीं सलटती तो कहीं ना कहीं फिर आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। और डिवोर्स के लिए आप उसके लिए फिर आप अपना लॉयर, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कोर्ट को बोले, वो आपको लॉयर प्रोवाइड करेंगे। तो उनका पब्लिक लॉयर होता है जो आपको पैसे के हिसाब से उस पर बात किया जा सकता है। अगर आप खुद कर सकती हैं तो अपना पैसा कहीं दे सकते हैं, तो उस हिसाब से अपने आसपास की वर्चुअल वर्ल्ड से निकलकर रियल वर्ल्ड में काम करें।
So these are things which we have been talking about for this. So I think one question that I had in this context is, you said very rightly that if things cannot be resolved at the first level, it will come down to divorce. And that is where the threats start. Where, you know, if there is an abuser and he's been abusing you, he will not stop at threatening your family, your children. उस डर से कोई कैसे निकले कि अगर आपके बच्चों को threat किया जा रहा है, आपको harm किया जा रहा है, आपके parents को harm threaten किया जा रहा है. So how does one deal with that kind of fear? All the more you should go to the FIR situation. All the more. It means this person is not good to stay with you. He's not good Dangerous. Enough. He's not good enough. There are personalities. As a psychologist, there are personalities which are coming on board. And when you have these kind of people, so there are four personalities which will look. And if you guys are there, I have a TEDx, Anuja Kapoor. If you can see, there are many things which I've talked about it. So there are personalities. The first is the narcissist personality. ये वो personality होती है जिसके अंदर मैं मारना पीटना dominance मैं जैसे जो आप boss those who are boss पर एक leader नहीं है negative problem जो narcissist में आता है इसका positive जो है वो आपको success का रास्ता लेकर जा सकता है which is there second आपकी आती है emotionally unstable personality जो वो लोग हैं जो लड़कियां face करते हैं और हम usually most emotionally unstable personality में आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग manic और depressive borderline personality में आकर खड़े हो जाते हैं और मैनिक मतलब बहुत खुश हो जाना अचानक से और एक मिनट के अंदर डिप्रेशन में आ जाना और वी आर चेंजिंग द प्लेसेस दिस इज ऑल्सो अनदर पर्सनैलिटी वी हैव अ थर्ड पर्सनैलिटी विच कम्स अप ऑन बोर्ड इज द मैनिक पर्सनैलिटी वेर इज अ सॉरी इट्स कॉल्ड एज पैरानॉइड पर्सनैलिटी द पैरानॉइड पर्सनैलिटी वो है जिनको हम लोग कहते हैं पागल जो आपके पीछे पड़ जाए सारा दिन फोन पे आपके फोनों को देखकर सो यूजुअली मेन आर लाइक दिस So they are the times. So in ये जो चारों personalities मैं आपको बता रही हूँ ये दिन चारों आपको जीने नहीं देंगे और हम सब में ये चारों होती हैं चौथी आपकी जो है predator personality होती है जो prey जो rape serial rape murder ये कर देते हो जिनके दिलों में एक मिनट के लिए भी emotion नहीं है और अगर आपका पति या आपकी I'm sorry अगर आप अगर by chance अगर आप लोग there is a wife who is involved and a male is somewhere sitting so please वहां पर आप इनके साथ compromise नहीं कर सकते It's too late. So better head, come out of this relationship. Start fresh. Please, don't die. Don't die on them. आपके बच्चे उनके बिना ज़्यादा सुखी हैं. और आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है. ऐसी abusive relationship में मत रहें, please. बहुत ऐसी हैं, बहुत celebrities हैं outside India also, in India, जिन लोगों ने इस तरह के steps उठाए हैं. आप एक step उठाएं, कहते हैं universe काम करता है. और आपको मैं जगहें बता रही हूँ. आप जाएं यहाँ पर, बात करें. आपको कोई problem आती है. They are there. They will share my number with you. आपके साथ मेरा number share किया जाएगा. आप लोगों को कोई problem आती है, let me know. I can figure it out. मेरे mails हैं, emails हैं. They all will be there. So there are one thing which we were talking about this. So we are asking me something. Yes. Yeah, Anuja, a question I actually gave. जैसे आपने कहा कि evidence या मतलब आप अपना कुछ ऐसा रखें उसके खिलाफ लड़ने के लिए. तो मैंने पूछा if abuse is emotional and do not have a visual evidence, then how to fight against it? Then emotional abuse जब जहां पर आता है जहां पर वो MLC मैंने आपको तभी कहा था कि जब अगर physical abuse आता है emotional abuse जब आप इस तरीके से बात करते हैं तो यही कहा है आपको कि तब आप जाकर इस चीज के बारे में जब आप लिखती हैं ये जर्नल अपनी जर्नल बनाती हैं आप इसके बारे में कि मैं बहुत ज्यादा उत्पीड़ित हूँ आप किसी डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं बहुत हॉस्पिटल्स में साइकाइट्रिस्ट है साइकोलॉजिस्ट है उनकी एक अगर आप डायरी बनाती हैं अपना और उनको बताती है उनसे बात करती है अपॉइंटमेंट लेती है जो किसी को बताने की जरूरत नहीं है आप इमोशनली वहां जाके बात कर सकती है साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में पहले मैं आपको बता दूं कि क्या फर्क है साइकाइट्रिस्ट जो है वो MBBS डिग्री होती है मतलब डॉक्टर जिसके पास MD का टैग होता है ये दवाइयां दे सकते हैं आपको कूल डाउन करने के लिए मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ काउंसलर हूँ मैं आपको दवाइयां नहीं दूंगी पर आपको ऐसे बात करूंगी जैसे मैं आपसे अभी काम कर रही हूँ तो आपको काउंसलिंग हम लोग करते हैं स्कूलों में बैठते हैं मैरिज काउंसलर्स होते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट मैं हूँ चीजें बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आती हैं इमोशनल अब्यूज अगर आप इसको आइडेंटिफाई करें इमोशनल अब्यूज तभी हो रहा है जब आपके साथ वो वर्बल अब्यूज है तभी आप इमोशनली अब्यूज है ना इसी वजह से वर्बल अब्यूज को रोकने के लिए आपको वहां पर कई बार ये बात कहनी पड़ेगी क्योंकि लड़ाई का जब माहौल चालू हो जाएगा वो जोर जोर से बोलेगा उस दौरान भी आप 100 दबा सकती हैं और कह सकती हैं ये लड़ता है मुझे और क्योंकि आपको थ्रेटन करते हैं कि कहीं आपको ये मार ना दे आपसे बात तो देर आर टाइम्स पहले आप उससे खुद बैठकर हमें बात करना होगा आपसे उनसे बैठकर अगर आपसे बातों से बात नहीं निकल रही है तो अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है वी हैव टू कम ऑन बोर्ड और DSLSA के पास आप जाए और हर स्टेट में
जैसे दिल्ली का है, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में उनका अपना लीगल सर्विस अथॉरिटी है. तो आप वहां जाएं, जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, प्लीज, ये हर जगह बना हुआ है लोक अदालत की तरह, ये फैमिली कोर्ट उनके आपस में अंदर बनी हुई है, जाके उनसे हेल्प मांगे और आपको ये और ज्यादा हेल्प करेंगे. इमोशनली के लिए भी वहां जाकर हेल्प मांगे. आप शुरुआत कीजिए, एनजीओज हैं और एनजीओ भी हैं. अगर आपको लगता है कि किसी एनजीओ को आप ऑन एयर पे बात कर सकते हैं, जस्ट डायल से किसी एनजीओ से आप बात कर रहे हैं और आपको निजात वहां पे भी नहीं मिल रहा, आप किसी भी एविडेंस को अलग छोड़ ना दें, आप उसको कोलैबोरेट करते रहे, एक फाइल बनाते रहें. आप कहाँ कहाँ पे जाके आपने अप्रोच किया, अगर आगे आप डिवोर्स के लिए कर रही हैं तो ये आपके लिए बहुत रिकॉर्ड, आपके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि ये चीज आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगी आपको आगे डिवोर्स में लेने के लिए, आपको मेंटेनेंस के लिए. मेंटेनेंस यूजली बहुत लॉज आ गए हैं, मेंटेनेंस में कहा जाता है कि लड़कियां जो काम करती हैं उनको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, वो अपना खुद उठा लेंगी खर्चा. बट ऐसा नहीं है, हमें इस बात को प्रूफ करना पड़ता है, वहां पर उनको भी प्रूफ करना पड़ेगा कि जब मैं अपने पति के साथ जिस ऐशो आराम में रही हूं, वो ये लॉ कहता है कि उसके बाद भी आप वही सस्टेन करें. जब तक आपका किसी के साथ अफेयर नहीं हो जाए, आप शादी ना कर लें, तब तक वो आपको मेंटेनेंस देगा. पर वो मेंटेनेंस है जो इंतरिम होता है, हर महीने के महीने. आप वो ले सकते हैं या फिर एलुमनी ले सकते हैं. मीडिएशन सेंटर्स हैं, ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, ये यहाँ पर जाकर आप काउंसलिंग मिलती है. अगर आप सीधा जाकर बात नहीं करना चाहते हैं, कोर्ट में जाना नहीं चाहते, तो ADR भी है और ये भी DSLSA में इसका भी प्रोविजन है. और ADR का जो है ये सिस्टम बहुत अच्छा आ गया है. यहाँ पर दोनों पार्टीज को बिठा दिया जाता है और एक दूसरों से कोशिश करते हैं कि बात कर सकें और हर चीज को लड़ने से कोशिश करें. शुरुआत आप, मैं यही कहूंगी कि अगर आप प्यार से समझा सके और वो समझ सके, अगर आप इस तरह की वीडियोस को अगर आप उनको दिखा सके, उनसे बात कर सके, कोई सेंसिबल आदमी आपके घर में बड़ा हो, जिनके पास, जिन्होंने आपकी शादियां करवाई हैं, या कोई ऐसा आदमी जो आप जिस पे विश्वास करते हैं, जिस पे वो लोग भी बात कर सकते हैं, किसी का जो कर्ता ऑफ द फैमिली है या किसी का इतना रुबाव है कि वो आपके घर में आपको समझा सकता है, इन लोगों को समझा सकता है, तो कोशिश कीजिएगा. पहला मैं यही कहूंगी कि हम लोग इसको डायल्यूट करने की कोशिश करें, पहाड़ जैसी चीज को राई करने की कोशिश करें, ना कि राय जैसी चीज को पहाड़ में. कई जगहों पर इसको मिसयूज इस तरीके से करा जाता है, छोटी सी चीज हो गई तो हम लोग उसको भी बहुत ज्यादा पहाड़ बना देते हैं. डिपेंड करता है कि छोटी चीज क्या है. अगर आप उसको एक्सेप्ट कर पाती हैं और आप कहती हैं हाँ ठीक है, दैट कैन बी एक्सेप्टेड, एक बारी कुछ है, कुछ चीजें हैं, बट अगर सेकेंडली द थिंग्स इज कमिंग अप जिससे आपका थ्रेटनिंग है, आपके बच्चों को थ्रेटन है, आपकी लाइफ एग्जिस्टेंस को थ्रेटन है, प्लीज डोंट से नो टू इट. Please go ahead. Don't stay in that situation. Yes. Yes. So go ahead in that. आप आगे जाएं, आगे निकल कर उस सिचुएशन को पूरा ध्यान दें. मुझे लगता है आप और मैं, हम एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां पर इन बच्चों को आप देखें. वो बच्चों जो हैं वो ऐसे जब एक साइकोलॉजिकल इस तरीके की मुठभेड़ में फंस जाते हैं, वो भी बच्चे आगे जाके शादी करना नहीं चाहते हैं. उनको लगता है कि हम लोग भी माँ बम्बी पापा की तरह, वो हमें मारेगा, ये वो हमें मार पिटाई होगी. कहीं ना कहीं सेक्सुअल अब्यूज भी आता है. मदर वहां पे भी नहीं बोल पाती कभी कभार, क्योंकि उसका हस्बैंड इन्वॉल्व होता है, उस बच्चे का फादर होता है जो उसके साथ बलात्कार करता है बच्चे के साथ. मैं सिर्फ और यही कहूंगी, हिम्मत जुटाए, क्योंकि यही चीज है जो आपको आगे लेकर आएगा. सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, द होल पॉइंट इज वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस. वन पर्सन इज आस्किंग, should one stay with the husband who physically abuses her only for the reason that the child needs a father? Another question is, can an abusive husband be a good father? So here it's obviously, you know, you're trying to keep your family together for the sake of your children. Yes. Does that make sense? Yes. So what we're talking about is ki kya jab abusive husband hai, kya wo abusive father nahi hoga? Ye cheez ke liye hum wait nahi kar sakte. All right. फादर तो वो शादी के तोड़ने के बाद भी रहेगा, बट वो हस्बैंड नहीं रहेगा. आप प्लेन में अगर ट्रैवल करते हैं तो आपने वहां देखा होगा, इवन लाइफ बोट पे जब हम लोग बात जाते हैं, हम लोग कहीं पर भी, पहले आप अपने आप को सुरक्षित करते हैं, उसके बाद बच्चों को देखते हैं. अगर आप जिंदा हैं, अगर आप सही हैं, आप उनकी माँ, अगर उनको उनकी जननी अगर उनके साथ खड़ी है, तो बच्चों को भी एक हिम्मत आती है कि इस तरीके की क्राइसिस में हम हाथ ना जोड़ें, घुटने ना टेके. अगर कई बार बातचीत करने से अगर रिजोल्यूशन निकलता है तो बहुत अच्छा है, पर अगर नहीं निकलता है, डोंट स्टे इन दैट रिलेशनशिप. डोंट वेट फॉर ऑल दीज थिंग्स, क्या वो अब्यूजिव है, फादर है, मदर है, व्हाटएवर इट इज, कि वो अच्छा बनेगा नहीं, इसके लिए फिर हम मरी जाएंगे.
तब तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपको इतना इमोशनली ड्रेन कर चुके होंगे कि आप उसके बाद आप सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा आपके पास। अनुजा, जैसे आप इन सारे केसेस में डील करती हैं, तो आपको मतलब जल्दी देखने में आता है कि केसेस किस क्लास में, ये वाला जल्दी हम लोग सोचते हैं कि लोअर क्लास में होता है या मतलब इकोनॉमिकल क्लास में या लाइक लेबर क्लास में, कि जो फाइनेंशियली लाइक मतलब वो जिनके पास कैपेसिटी उनके साथ होता है, बट क्या मतलब ऐसे केसेस भी आते हैं कि जहाँ पे बहुत वेल टू डू फैमिलीज में भी ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं? मेरे लिए मेरे पास सारी तरफ से केसेस है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। इवन रेप के केसेस भी सारी तरफ से है, एक के पास पैसा है वो उसको चुप करा देता है, एक के पास पैसा नहीं है तो पुलिस वाले को दे देता है, पुलिस वाला कहीं ना कहीं, कई बार मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, बट देर आर टाइम्स वेन कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जहां पर कुछ पुलिस वाले इसको अगेन अपने लॉ को मिसयूज करते हैं, दोनों पार्टीज से खाते हैं, ये भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है जिसका हम लोग बहुत ज्यादा फेस करते हैं। ये क्या दो तीन चीजें हैं जो आपने अभी कहा ललिता जी, क्या किसी हम लोग स्पेसिफिकली किसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, किसी तबके की बात कर रहे हैं, किसी लेवल की बात कर रहे हैं, क्या हम किसी जेंडर की भी बात कर रहे हैं, या क्या हम किसी एज ग्रुप की बात कर रहे हैं? सो अगर आप इसके अंदर देखें डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी एज ग्रुप के अंदर, अगर आप बच्चे हैं तो आप डोमेस्टिक वायलेंस में, आप बड़े हैं तो आप डोमेस्टिक वायलेंस में, आप बूढ़े हैं तो भी आप डोमेस्टिक वायलेंस में, क्योंकि आप उस वक्त उस चीज को सुन रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपका बच्चा आपको मार सकता है, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस? आई एम सॉरी, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मैरिज। डोमेस्टिक वायलेंस इज अ क्रुएल्टी, इज बीइंग विद फादर एंड मदर ऑल्सो, बच्चा को बदतमीजी पे उतारा, इसके साथ आईपीसी के सेक्शन जुड़ जाते हैं फिर। सो ये आपको देखना है कि आप कितने हद तक हम इस चीज का निजात मानना चाहते हैं अपनी, जितने आप, देर आर टाइम्स मेरे पास हनीमून के फॉरन बात कीजिए, मेरे ऊपर तोलिया फेंक दिया या मेरे पर ये बच्चे डोंट वांट टू स्टे, बिकॉज आज के जो बच्चे हैं वो पेशेंट नहीं है, दे डोंट वांट टू बी पेशेंट ना, बिकॉज दे नो देर आर ऑप्शंस इन लाइफ, वो दे आर यंग, उनके बच्चे नहीं हुए, उनको बहुत दूसरे बच्चे भी मिल जाएंगे। पर क्या इससे हम कभी कभार लॉ को मिसयूज नहीं कर रहे? ऐसा भी वक्त है कि कभी कभार हम लॉ को मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, तुम नहीं तो कोई और से। सो क्या कोशिश करें, मैं अगर आपके साथ सामने बैठी हूं तो मैं एक लॉयर की तरह नहीं बोलना चाहती, नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट की तरह भी बोलना चाहती, वही चीज अगर आप कोशिश कर सकते हैं और समझ रहे हैं कि कहीं पर इस चीज को शायद बात करने से एक बार फर्स्ट टाइम एक बारी बात जरूर करके देखें, पर अगर वो चीज बात से रिजॉल्व नहीं हुई तो सेकंड चांस उसको मत दीजिएगा। सेकंड टाइम में यू नो व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज गो फाइंड अ हेल्प फॉर योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल नॉट सर्वाइव। कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये वो साइलेंस होगा जो आने वाला तूफान आपके लिए लेकर आएगा। लाइक यही कि मतलब हम इसको इस फॉर्म में पूछ सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का असर आपको एक्सट्रीम केस में किस तरह से दिख सकता है, कि आज आपने मना किया, आज आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद आप अपनी लाइफ से ही मतलब आपको हाथ धोना, लाइफ से, बच्चों से, बच्चे आपके आगे जो है वो शादियां नहीं करेंगे, वो भी मारपीट करेंगे, अगर लड़का तो देखेगा माँ को मारना है, लेडी को मारना है, ओके, वुमन को मार, वुमन शायद मारी जाती है, वो रोती है तो ठीक रहती है आई थिंक सो। और दूसरा है कि पॉसिबिलिटी है कि लड़की जो है वो उसको अगर वो मार खा रही है या वो भी मारेगी। सो देयर आर थिंग्स यू नो, हम मारपीट क्यों देख रहे हैं अपनी फैमिली में और कब तक और किस लिए और क्यों ये इतना डेस्पेरिटी है और क्यों इतना ईगो सिस्टम है? क्यों आज कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर दोनों अपनी जगहें मेंटेन कर रहे हैं घर में, अगर एक काम कर रहा है तो एक घर भी चला रहा है, आप एक बार स्विच करके देखेंगे और तो आपको एहसास होगा कि दोनों कितना काम करते हैं। सिर्फ एक हाउसवाइफ होना, सॉरी ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ एक हाउसवाइफ होना, दिस इज समथिंग, ये एक होम मेकर है, ये मैंने 13 साल और आज भी काम करने के बाद मैं घर जाके खुद देखती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरी ऑब्लिगेशन है। एग्जैक्टली, और ये आपको मैं बात बता दूं, इसको हम लोग अगर एंड कर रहे हैं तो एक चीज को ये भी समझाना कोशिश है कि ये आप लोग के ऊपर है कि आपके बच्चे सोसाइटी में किस तरीके से निकले। मुझे लगता है कि शायद हमने अपनी लड़कियों को बहुत ज्यादा स्टैंड कर दिया है। लड़कियां आज की डेट में खाना भी बनाती हैं, कपड़े भी धो लेती हैं, झाड़ू पोछा भी कर लेंगी, अपने आप को स्टैंड भी कर लेंगी, काम भी कर लेंगी बाहर, घर पे अपने बच्चों को भी संभाल लेंगे, अगर सब कुछ हुआ डिवोर्स खड़ा किया तो अपने अकेले अपने आप को संभाल लेंगी। क्या ऐसा नहीं हम लड़कों की तरफ या आदमियों की तरफ ज्यादा इन अ डिफरेंट वे हैं, हमने उनको बेचारा कर दिया है,
मुझे लगता है माँ होते हुए हमें लड़कों को भी हमें जागृत करना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए लड़कों को भी कहीं ना कहीं किचन में जरूर डालें, उनको भी खड़ा करने की जरूरत करें, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है जब, तो उसके अंदर यही प्रॉब्लम है कि लड़के को वैल्यू नहीं पता है कि किस तरीके से एक फैमिली को क्या वैल्यू दी जाती है सिस्टम, और वो जब सब कुछ खो देता है क्योंकि उसके पास फिर एक नई फैमिली को वो कर सकता है, क्योंकि दिस इज व्हाट ही इज कीपिंग ऑन सीइंग इट। अगर हम इसको प्रॉपरली अटेन करें, प्रॉपरली देखें, तो आप ये देखेंगे कि लड़कियों को हमने फिर भी स्टैंड किया है, शायद लड़कों को हम ये समझा नहीं पा रहे हैं कि घर का काम उनके लिए भी करना बहुत जरूरी है। सिर्फ लड़कियों पर डिपेंडेंट रहना मुझे लगता है जरूरी नहीं है, वो भी कुछ अपने आप के लिए स्टैंड कर सकेंगे। इसके लिए उनको लड़कियों से काम निकलवाने के लिए मारपीट नहीं करने की जरूरत है। So sometimes that's the only recourse. I think it's a very valid point you're making, that they have to understand there is no definition to a role in the house, especially that this is a girl's job or this is a boy's job. It is just a job which has to be done, yes. And anybody can do it. What I want to ask you, Anuja, is from the other side. So I am a victim. I know I need to get out. You've given us a few steps. Suppose I'm watching this happen in front of me with my neighbor, with somebody I know, with my a relative, a friend. I know somebody who's going through abuse of some kind. What should I do? I mean, that person is refusing to get out of the relationship. डर रही है, उसको threaten किया जा रहा है, कई reasons हो सकते हैं बच्चों की वजह से, और मैं देख रही हूँ कि अब्यूज हो रहा है, मुझे पता है, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मैंने अभी बीच में, अगर आप ध्यान दें तो मैंने बीच में इस बात को बहुत अच्छी तरह से प्रकट किया था। आप या आपका दोस्त, आपके जो साथ में जो काम कर रहे हैं या आपके साथ में जो ऊपर नीचे लोग रहते हैं, उनसे दोस्ती बना के रखें, वो इसीलिए है। और यही लोग आपको DSLSA की जो मैंने बात करी, FIR की बात करी, 100 नंबर की बात करी, कि कौन रोक रहा है आपको? NGO है, इंडियन, जैसे मैं NGO भी है मेरा, और मैं स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी हूँ। किस लिए हूँ? इसीलिए हूँ कि अगर कहीं पर है तो लोग मेरे से बात करते तो मैं सीधा एंट्री मार सकती हूँ। आपका हर एक, ये लॉ इतना एक्सटेंडेड है, अगर आप हेल्प करने वाले हैं तो आपको किसी चीज के लिए भी मनाही नहीं, आपके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी लीगली आपको किसी भी तरीके से कोई भी आपको लायबिलिटी नहीं देगा, आपके ऊपर कोई भी प्रेशराइज नहीं करेगा। आप प्लीज जाकर इस बात को जाके खुले तौर पे बताएं, DSLSA इस चीज को हेल्प करेगा। पुलिस के अंदर अगर आपको विश्वास नहीं है, CAW में आप जाके इसकी बात कर सकते हैं, वो लोग उनसे फोन पे बात कर सकते हैं, आप अपना फोन उनको दे सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस कॉल करवा सकते हैं, बहुत चीजें हैं, आप सोचना शुरू कीजिए। हम लोगों ने करी है, मैं जानती हूँ। तो इसीलिए अगर चिट्ठी में लिख कर लड़की आपको दे सकती है, फेंक सकती है, थ्रू एंड थ्रू आप उसके मैसेंजर बन सकते हैं। आपने शायद एक सवाल मैंने बताया नहीं और आपने जवाब दे दिया। किसने पूछा कि कुछ लोगों को बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं करने दिया जाता, कि लाइक आपको इतना रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता कि आप किसी से कोई कम्युनिकेशन ना कर पाओ, खुद ना जा पाओ। कपड़ों के थ्रू, किसी कपड़े में डालकर कोई चीज को फेंक सकते हैं, टॉर्च अगर है सामने, उन चीजों से रिलेटेड कभी आपको बंद कर दिया जाए तो रात में अंधेरे में टॉर्च को आप ब्लिंक कर सकते हैं। आप जब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके उस हिस्से की बात करें जो उनके साथ कभी नहीं हुआ या उनके घर में वो है ही नहीं, तो उसको कोड वर्ड कहते हैं, कि उसको उस तरीके से आप बात करें कि दूसरे वाले बंदे को समझ में आए कि कुछ पागलों की तरह बात कर रही है। और जब आप कोई आपके साथ घर में आपको कुछ मारपीट कर रहा है और बाय चांस को दरवाजे पे आ जाता है, तो उस दौरान आपको जो फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए वो बहुत डिफरेंट होना चाहिए। आप घबराई हुई आंखें या घबराया हुआ आप अपने आसपास में उस तरीके से दिखा सकते हैं। यहां पर आप ये सब चीजें जो है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने का तरीका, अगर कोई आपके साथ इतना वक्त देता है तो आपको जरूर समझ पाएगा। एक बहुत एक्चुअली हम लोग ने जो बात करी है, ये आई थिंक दिस इज अ सीवियर लेवल व्हेन थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड अ हेड, व्हेन देयर इज अब्यूज ऑफ ईदर फिजिकल और मेंटल अब्यूज। दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बहुत घरों में लेडीज को डिसीजन लेने का भी राइट नहीं होता, चाहे वो बच्चों के लिए मनपसंद कपड़े लेने हो या खाना बनाने का भी, कि आपको कोई बात भी नहीं होती, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज भी नहीं होती, बट वो कहीं ना कहीं इग्नोर होती है। क्या करना चाहिए? ये लेवल वन है। आपको क्या करना है? अपने आप में मस्त रहें। फिर द थिंग इज गिव योरसेल्फ अ टाइम। शायद ऐसा तो नहीं है कि आपने अपना वक्त भी उनको दे दिया कि आज आप जीरो लेवल पर आकर खड़ी हो गई हैं। स्टार्ट गेटिंग योरसेल्फ, स्टार्ट पैम्परिंग योरसेल्फ, लेट देम नो दैट देयर इज अ पर्सन हु इज अलाइव इन द हाउस। घर पे जिंदा है कोई। अपने आप को 5 मिनट दो, जाओ बैठो, अपना ग्रीन टी पियो, अपने आप को नहीं, सब लोग आपकी वैल्यू नहीं है ना,
तो आप घर में बैठकर वो 5 मिनट अपने आप को जरूर दें ताकि ये जो क्वेश्चन आपने पुट अप किया है ये आपके अंदर का ग्रीवियंस है, आपके अंदर की वो गिल्टी है कि आपने अपना वक्त किसी को दिया। वो सुनने नहीं सुनते हैं, वो नहीं करते हैं। देखिए हर एक का एक अपना कर्मा है, वो अपनी डायरी खुद बना रहे हैं। आप हर एक की जिंदगी चला नहीं सकती और हर एक को खुश नहीं कर सकती, क्योंकि आप यहाँ पे किसी के लिए काम करने के लिए नहीं आई है, ये आप अपने लिए आई है। और आपकी किताब में उन लोगों का रोल है और उनकी किताब में आपका रोल है। आपका रोल पॉजिटिव है या नेगेटिव वो वक्त डिसाइड करेगा। आप अपने लिए क्या कर सकते हैं? आप भी तो किसी की बेटी हैं। ये क्वेश्चन पूछने से पहले आप किसी की बेटी नहीं है क्या? क्यों आप अपने आप के लिए क्या किया आपने और क्यों नहीं किया? आज ये चीज मैं आपसे पूछते हूँ, क्यों नहीं अपने अपने आप को कभी वक्त दिया? क्यों नहीं अपने आप को अपने खड़ा करने की कोशिश करी? क्यों नहीं? आज वो घर अरे खाना नहीं खाएंगे, वो उनकी पसंद का खाना है या नहीं, वो बच्चे गूंगे थोड़ी ना है कि वो दूसरा बंदा समझ नहीं सकता, अपने आप बोलेंगे। क्यों आप उनकी जगह पर खड़ी हो रही हैं? क्यों उनकी जबान बनने की कोशिश कर रही है? कभी कभार जरूरी होता है शायद घर में चुप रहना, जहां पर उनके लिए ना बोलना अपने लिए करना। अपना कभी कभार बोलकर चीज खराब हो सकती है, उसको रेदर एक जिसको हम कहते हैं आप खुद एक्शन में आप लेकर आ सकती है रेदर देन बोले, इम्प्लाइड एक्शन जिसको हम कहते हैं, आप खुद उसको ना बोले खुद अपनी चीज आप कर रही हैं और बना दिया। आप लगता है आप आंसर बहुत करते हो, अगर आपको आंसर किसी को देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आंसर सिर्फ आपको अपने आप को देना है। जिस दिन आप अपनी इज्जत खुद करने लग जाओगे, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। आई डोंट वॉन्ट एवरीबॉडी टू रिस्पेक्ट यू, यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, दैट्स इट। एंड लाइक यू सेड, बिल्ड अ स्किल। Yes. You're trying to build a skill, create something for yourself. Yes. You had a question, Lalita? Yeah, actually, yeah, एक last मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी अभी तो ये जो भी चल रहा है कि आने वाली जनरेशन में ये प्रॉब्लम ना हो, तो हम कैसी पेरेंटिंग करें या हमारे परिवार का माहौल कैसा हो कि आगे आगे आने वाली जनरेशन में एटलीस्ट हमें ये डोमेस्टिक वायलेंस वाली प्रॉब्लम ना दिखाई दे, उतने फिगर्स और हमें बढ़ते हुए फिगर्स ना दिखाई दे। ललिता जी, इसी क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग बच्चा पैदा करें। Absolutely. Gender, लड़का और लड़की पैदा ना करे। हाँ। और मैंने अभी इसी के अंदर मैंने फेमिनिस्ट का भी इसी का रूप दिया था कि लड़के को किचन में जाने दो, उसको बोलो आज वो खाना बनाएगा, और लड़की को कहो बाहर जाकर सामान लेकर आओ, बाहर जाओ, आइए आपके ऊपर है, मेट्रो में ट्रैवल करने दो, चीजों के साथ ग्राउंड रियलिटी में लड़की को आने दो। अचानक घर में घुस के डिवोर्स वाले टाइम पर या इस तरह के उसमें उसको यही नहीं पता कि बाहर कैसे जाना होता। So let's see on that. Let's work on make this. Make her capable. Yes. Make him let's, capable. Let's be equal to both of them. Yes. Let's be equal to both of them. अगर लड़की को आपने कुछ सिखाया तो लड़के को भी सिखाएं, क्योंकि ये नहीं है हम कैसे देख सकते हैं। Let's prevent something. Let's prevent. So let's talk on prevention rather than कि कोई आपके साथ कोई कांड पहले बाद में हो जाए। So let's talk about prevention. अब prevention नहीं है, अपनी इज्जत सबसे पहले आप खुद करें, उसके बाद दुनिया को आप खुश नहीं कर सकते, इसलिए इस पे ध्यान दें। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो चुप मत बैठे, उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करें, वर्चुअल वर्ल्ड से निकलकर रियल वर्ल्ड में आए, अपने रियल दोस्त बनाएं, अपनी जब अपने घर में फ्रेंड्स को बिठाएं, फोन पे बात करना चाहते तो अपना एक कम्युनिकेशन बनाएं, अपनी चीज को किसी के साथ शेयर करने में घबराएं नहीं। अगर आपको लगता है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस चीज का सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन हम ढूंढना नहीं चाहते इसलिए मिलता नहीं। Don't become a problem to your problem. Become a solution to your problem. And that is only you can handle it. And thank you so much. Thank you. Thank you. We do have some specific questions, Anuja. We'll request you to reply to those separately. But they are very specific. They are very specific individually. Yeah, some people want to meet your address and you. We have Anuja's pages tagged on both English and Hindi channels. Okay. मुझे बहुत खुशी है अगर मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं, इस लड़ाई में मैं आपका साथ दे सकूं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि अगेन आई विल थैंक बोथ ऑफ देम एंड द टीम ऑफ माय सिटी फॉर किड्स कि जिन्होंने इस चीज को लेकर आए और मुझे आमंत्रित किया कि मैं आप लोगों के साथ वार्तालाप कर सकूं। मैं जानती हूं मैं आपको देख नहीं सकती, बट यकीन मानिए आप लोग को सुन सकती हूं, ये यहां से सुना है। आज अगर आपके आंसर्स को क्वेश्चंस को मैंने आंसर किया तो यकीन मानिए मैंने आपको सुन लिया है। एंड व्हाट इज मोस्ट एनकरेजिंग इज दैट वी हैव अ लॉट ऑफ कमेंट्स वेयर पीपल आर सेइंग डोंट थिंक ऑफ योर हस्बैंड, थिंक ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, इफ यू आर हैप्पी योर चिल्ड्रन विल बी हैप्पी, समबडी एल्स शुड नॉट टॉलरेट मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज। सो आई मीन इट्स जस्ट नो वन शुड पुट अप विद अब्यूज ऑफ एनी काइंड, अवेयरनेस इज द की। So it's very encouraging to see this coming. Like purpose serve ho raha hai. Purpose serve ho raha hai. There are a lot of people who are already thinking positive. So I'm already loving you all. So it's wonderful. It's amazing. It's amazing. Stay the way you are.
keep asking questions like children, keep asking questions, you will get answer. Have that courage to come forward and speak on it. Thank you all very much and thank you Anuja. एक सवाल के साथ हम इस अपने लाइव चैट को खत्म करना चाहेंगे, क्या है आपकी चॉइस?